हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास ट्वेल्व का इंग्लिश ओलंपियाड जो फोरटीन अक्टूबर को हुआ था सेट बी फिफ्टी क्वेश्चन था और बच्चों को मिला था वन आवर इसमें चार सेक्शन थे वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज रीडिंग स्पोकन एंड रिटर्न एक्सप्रेशन एंड अचीवर सेक्शन अचीवर सेक्शन का जितना क्वेश्चन था उनका मार्क्स था थ्री फाइव क्वेश्चन था मतलब फिफ्टीन मार्क्स एंड बाकी का वन वन मार्क्स तो चलिए देखते हैं इनका सॉल्यूशन ये पेपर स्टार्ट हुआ था वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज पार्ट से क्वेश्चन नंबर वन टू ट्वेंटी फोर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स बना था सही वर्ड तो क्वेश्चन नंबर वन द क्यूरियस स्टूडेंट वेंट इन द साइंस लैब अंडर द प्री ऑफ बोरोइंग ए बुक्स ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर टू में हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर थ्री ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फोर ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव डी क्वेश्चन नंबर सिक्स बी क्वेश्चन नंबर सेवन सी क्वेश्चन नंबर एट बी ये इनके करेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर नाइन ए क्वेश्चन नंबर टेन सी सी क्वेश्चन नंबर इलेवन ए सी क्वेश्चन नंबर इलेवन सी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ए क्वेश्चन नंबर थर्टीन ए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन डी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ए क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन सी क्वेश्चन नंबर एटीन सी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सी सिल्वर स्पोन इन वंस माउथ क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर सी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स में आपको सिनोनिम बताना है सेम वर्ड मीनिंग फुटेलिटी यूजलेस वैल्यूलेस ऑप्शन ए हो ऑप्शन डी हो जाएगा इनफेक्टिवनेस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स डिलेक्टेबल डिलीसियस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट में आपको एंटोनियम बताना था ऑपोजिट वर्ड तो इसमें ट्वेंटी सेवन में हो जाएगा ए फिजेबिलिटी इम्प्रोप्रेटी जेनी, कॉमिकल इसका हो जाएगा सीरियस ट्वेंटी नाइन थर्टी में आपको सही स्पेलिंग बतानी थी करेक्ट स्पेलिंग टू वी चाइल्ड इस होता है ये एन रेफर टू द पर्सन who लेटर someone, साइकोफेंट होता है एस वाई सी ओ पी एच ए एन टी डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा अगर आप ट्वेल्थ के बाद किसी भी अच्छे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा डाले गए सभी क्लासेज के ओलंपियाड्स को ज़रूर करके देखना आप क्योंकि इन ओलंपियाड का जो लेवल है ना क्वेश्चन का लेवल वो बिल्कुल एज इट इज जैसे एयरफोर्स में आएगा ट्वेल्थ के बाद एग्जाम देंगे नेवी के एग्ज़ाम होते हैं मतलब जॉब लगने के एन में देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल इंग्लिश में तो मतलब आप वन टू ट्वेल्व जितने भी कर लो उसमें से कम से कम दस पंद्रह आपके ऐसे ही नंबर मिल जाएंगे अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके बिल्कुल एज इट इज जी का करेंगे आप मैथ का करेंगे बिल्कुल ये का ही आएगा रीजनिंग उनमें दे रखी है मैथ वाले में बिल्कुल ऐसी की ऐसी आएगी अगर आपको किसी भी ओलंपियाड की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर डाल सकते हैं मैं वहाँ किसी भी ओलंपियाड की जो आप बोलेंगे वो भेज दूंगा किसी भी क्लासेस का मतलब सभी क्लासेस का हर ओलंपियाड में से आपको दो तीन क्वेश्चन मतलब हर जगह देखने को मिल ही जाएंगे एक एक क्लास के में मतलब इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये तो आप प्लीज़ इनको करके देखना अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करें हैं जॉब लगने की तो अभी से इनको सबका सोल्यूशन आपको आना चाहिए क्वेश्चन नंबर थर्टी वन में हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर थर्टी टू थर्टी टू का हालांकि मैं शायद किया नहीं थर्टी थ्री में हो जाएगा बी थर्टी फोर में हो जाएगा डी थर्टी फाइव में हो जाएगा बी बार यही है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन से थर्टी फाइव क्या था पैसेज में से था जो इजी पार्ट था इस पेपर का थर्टी सिक्स टू फोर्टी भी पैराग्राफ में से है जो इजी पार्ट है थर्टी सेवन का हो जाएगा डी आप पढ़ेंगे इसमें तो मिलेगा ये आंसर थर्टी सेवन का हो जाएगा बी थर्टी एट का हो जाएगा ए थर्टी नाइन का हो जाएगा बी करेक्ट आंसर और फोर्टी का हो जाएगा सी स्नोबरी नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका स्पोकन एंड रिटर्न एक्सप्रेशंस क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन टू फोर्टी फाइव फोर्टी वन में हो जाएगा करेक्ट आंसर ए फोर्टी टू में हो जाएगा डी फोर्टी थ्री में हो जाएगा बी फोर्टी फोर में हो जाएगा ए फोर्टी फाइव में हो जाएगा सी लास्ट सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स, फोर्टी सिक्स में हो जाएगा ए फोर्टी सेवन में हो जाएगा सी पेडेंटिक फोर्टी एट में क्या था आपको सिनोनिम बताना था सेम मीनिंग तो हो जाएगा स्टोरिक का रेयरफील्ड फोर्टी नाइन में हो जाएगा ए ऑपोजिट इंट्रेपिड होता बोल्ड ब्रेव ये हो जाएगा फ्रेंड एंड फिफ्टी में हो जाएगा सी तो स्टूडेंट्स ये था क्लास ट्वेल्व का इंग्लिश ओलंपियाड जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर था तो प्लीज़ आप सभी ओलंपियाड्स को करके देखना जो आपके लिए आगे आने वाली लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल रहने वाले हैं सो ओके बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो